वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टॉक विद एनएच में। तो फ्रेंड्स, आज हम को फिर हाजिर हैं डेली टॉक के एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी जो हमारी सीरीज थी डेली टॉक की, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक बिल्कुल नए डेली टॉक की सीरीज के साथ। फ्रेंड्स, आइए चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं, मतलब आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे करेंट अफेयर्स के रूप से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू। जो आज की हमारी पहली न्यूज़ निकल के आती है भूटान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो फ्रेंड्स, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है लोटे टीशेरिंग। तो फ्रेंड्स, आज न्यूज़ में उनकी एक बहुत ही अच्छी बात सामने निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, वो बात यह है कि जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हफ्ते के 5 दिन मतलब शुक्रवार तक वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी को सर्व करते हैं और बाकी बचे हुए 2 दिनों में वो एक डॉक्टर की ड्यूटी को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो हफ्ते के 5 दिन प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी को सर्व कर रहे हैं और बचे 2 दिनों में वो डॉक्टर बन के लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम, चाहे कोई भी देश का पीएम हो, चाहे इंडिया का पीएम हो या कोई भी देश का पीएम हो, एक पीएम की जो रिस्पेक्ट रहती है वो बहुत बड़ी रहती है। इसलिए फ्रेंड, इस इतनी रिस्पेक्ट के बावजूद भी एक अगर वहाँ कोई अगर पीएम है, वो अपने पीएम की ड्यूटी को छोड़ के डॉक्टर का काम भी कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने पीएम के इतने इम्पॉर्टेंट वर्क से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो अपने लोगों का इलाज भी कर रहा है। वो हॉस्पिटल में जाके लोगों का इलाज करते हैं। तो ये रहे उन पीएम की फोटो। फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी बात निकल के आई है वहाँ के पीएम की तरफ से। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की। फ्रेंड, जब यहाँ पर बात भूटान की हो ही रही है, तो मैं आपको भूटान के बारे में बहुत सारी और बातें बताना चाहूँगा जो कि आपके नॉलेज के रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, सबसे पहली बात जो भूटान के बारे में कि भूटान ऐसा पूरा वर्ल्ड में सिर्फ ऐसा देश है जो अपने कंट्री की डेवलपमेंट जीडीपी के आधार पर नहीं निकालता। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो कंट्री की डेवलपमेंट है, ना कि वो बिल्डिंग बनाने, यहाँ पे कितनी सड़कें बन रही, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, उसके आधार पर वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट डिसाइड नहीं करता। वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट हैप्पीनेस के आधार पर डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ, वो अपने वहाँ पर सर्वे करता है कि वहाँ पर कितने लोग खुश हैं। जो हमारा सबसे जो हमारा हैप्पीनेस का सर्वे होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, जो कि इंडिया का भी निकाला जाता है। फ्रेंड्स, वैसे ही भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स पर वो कंट्री की डेवलपमेंट को आधार पर कंट्री की डेवलपमेंट डिसाइड करता है। बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, बाकी कंट्रीज़ डेवलपमेंट के आधार पर, कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है उसके आधार पर अपनी ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम इंडिया की बात करें और भी कंट्रीज की बात करें, तो फ्रेंड्स, ये थी भूटान के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्रेंड, जो दूसरा फैक्ट ये है कि भूटान एक ऐसा देश है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। भूटान ने ऐसा वहाँ रूल बनाया कि वहाँ का जो जितना भी एरिया है, टोटल एरिया, वो 60% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वहाँ पर कभी भी नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड, ये थी इंपॉर्टेंट फैक्ट दो। अब भूटान के बारे में एक आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि हर कंट्रीज टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। वो चाहती है कि बहुत सारे टूरिज्म की कंट्री में विजिट करें, जिससे कि उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो फ्रेंड, इससे होगा कि ज़्यादा टूरिज्म अगर किसी कंट्री में विजिट करेंगे तो उतने ज़्यादा टूरिज्म से पैसे आएंगे, जो कि उनकी इकोनॉमी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पर एज कंपेरिजन टू अदर्स, जो भूटान है वो सबसे अलग है, वो टूरिज़्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता। मेनली उस सीज़न में, मतलब वहाँ पर जब सीज़न होता है जिसमें उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उस समय वो टूरिज़्म को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। वो उसने ऐसा रूल रख दिया कि अगर उनके सीज़न में अगर कोई टूरिज़्म भूटान आना चाहता है तो उसे $250 अलग से पे करने पड़ेंगे भूटान विजिट करने के लिए। ऐसा वो इसलिए करते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर टूरिज़्म वहाँ पर सीज़न के टाइम आ गए तो उनके सीज़न को खतरा हो सकता है, उनके जो सीज़न में जो नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर ऑब्टेन होंगे उनको खतरा हो सकता है। मतलब वो मतलब जितनी वहाँ के सिटीजन को ज़रूरत है उतनी पर्याप्त क्वांटिटी में वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। उनका ऐसा मानना है कि टूरिज़्म आएंगे तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की खपत ज़्यादा होगी, उनकी कंट्री को जो सिटीजन है उनको अच्छे से नहीं मिल पाएंगे। तो फिर उसने ऐसा रूल बनाया कि उसे $250 अलग से पे करने पड़ेंगे उस कंट्री में विजिट करने के लिए सीज़न के टाइम पे। बाकी टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं है, बाकी टाइम पे वो जितनी नॉर्मल प्राइस लगती है उस नॉर्मल प्राइस में वो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी भूटान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड न्यूज़ की तरफ। जो हमारी दूसरी न्यूज़ निकल के आती है वो है AIFF की तरफ से, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अभी भी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हमारे लिए इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के लिए एक नए कोच को अपॉइंट किया है, जिसका नाम है आइगोर स्टेमेक, जो कि इंटरनेशनल मैनेजर, मतलब क्रोशिया के मैनेजर रह चुके हैं। फ्रेंड्स, आइगोर स्टेमेक जो कि इंटरनेशनल एंड मैनेजर रह चुके हैं क्रोशिया के, फिर उनको अभी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का कोच अपॉइंट किया है। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत टाइम से ही AIFF में ये बात चल रही थी कि इंडियन टीम के लिए एक नया कोच की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने चार नामों को अपॉइंट किया, जिसमें से फाइनली क्रोशिया के आइगोर स्टेमेक को ही अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी आपको पता ही होगा कि जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है वो है सुनील छेत्री जी, और प्रेजेंट टाइम में जो हमारी
इंडियन फुटबॉल टीम की जो फीफा रैंकिंग चल रही है वो भी 100 के पार जा चुकी है, वो भी 101 चल रही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की दूसरी न्यूज़, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी न्यूज़। तो आज की हमारी तीसरी न्यूज़ निकल के आती है वो है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में उन पॉलिटिशियन का नाम दिए गए हैं जिसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में सबसे ज़्यादा फॉलो किया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी सब पूरे दुनिया में सेकेंड मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन बन गए हैं, किसके बाद बराक ओबामा जी के साथ। तो फ्रेंड अभी भी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे उन्हें पूरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक को मिला के 110 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है। और इवन जब बराक ओबामा जी को देखें जो कि फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी देखें तो उन्हें 182.9 मिलियन लोगों ने फॉलो कर रखा है। फ्रेंड इस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो भी अभी प्रेजेंट में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप को उनको पछाड़ दिए जिनके सिर्फ 96 मिलियन फॉलोअर्स ही हैं। और फ्रेंड्स वही अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनके सिर्फ 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को मिला के। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की बहुत ही छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उन सबको एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में कवर किया। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे जिसमें आपको करंट अफेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।